हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अभी हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा था वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जब हम इन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को एक क्रम में एक साथ लिखते हैं तो ये बन जाती है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चूंकि इसमें स्वर वर्ण भी लिखा और व्यंजन वर्ण भी लिखा तो वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हो गए? 44। 11 स्वर हो गए और व्यंजन 33 हो गए। दोनों मिलाकर वर्णमाला में कुल टोटल 44 वर्ण हो गए। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, मतलब दो व्यंजन को मिलाकर एक साथ लिखकर बनते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार वर्ण जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। अब इन्हें हम कैसे बनाते हैं दो व्यंजन के मेल से? अक्ष में दो व्यंजन होते हैं, आधा क प्लस श, ये दोनों मिलकर बनते हैं अक्ष। आधा त और र मिलकर बन गए त्र। अब आ गया ज्ञ। ज्ञ हम कैसे लिखते हैं? आधा ज और ञ दोनों मिलकर बन गया ज्ञ। अब आता है स्र। स्र में तालव्य श, आधा श और र, ये जो नीचे हमने छोटी सी लाइन बनाई है ना, इसका मतलब ये पूरा श नहीं है, ये आधा श है और इसमें र भी है, ये दोनों मिलकर बन गए पूरा स्र। और स्र क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। अब जैसे अक्ष से आप कोई शब्द बनाओ, पक्षी, कक्षा, ये हो गए अक्षर संयुक्त व्यंजन से बने हुए शब्द। अब जैसे त्र से भी एक शब्द बनाते हैं, पत्र, चित्र, मित्र। ज्ञ से कुछ बनाइए, यज्ञ, ज्ञानी। अब स्र से आप बना सकते हो, श्रमिक, श्रम। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कभी भी अकेले नहीं बनते, ये हमेशा दो व्यंजन के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये ना तो अकेले स्वर वर्ण है और ना ही अकेले व्यंजन वर्ण है, ये दो व्यंजन के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आज आपने पढ़ा वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन। अच्छे से समझ लिया आपने? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। बाय बाय, धन्यवाद।